बेटियां, और जो समझते थे पैर की जूती होती है लड़की, अरे जो समझते थे पैर की जूती होती है लड़की, आजकल तो पंख लगाकर आसमान में उड़ने लगी है। बात आए किसी परीक्षा की दौड़ की, तो आईएएस टॉपर बनकर टीना डाबी जैसी देश का गौरव बन जाती है बेटियां। अरे बात आए किसी परीक्षा की दौड़ की, तो आईएएस टॉपर बनकर टीना डाबी जैसी देश का गौरव बन जाती है बेटियां। देश छोड़ो विदेशों में भी, अरे देश छोड़ो विदेशों में भी, साक्षी मलिक, पीवी सिंधु, दीपा कर्माकर जैसी योद्धा पदक जीतकर तिरंगे को ऊंचा कर देती है। साथियों कविता तो बहुत बड़ी है, मैं एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि सभी समान हैं। ये मत सोचो कि पहला बच्चा हमारे बेटी हुई है तो थोड़ा इस चीज को मत रखो, ठीक है। और आपके अंदर ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छिपे हैं, आपके अंदर ही एपीजे अब्दुल कलाम छिपे हैं, आपके अंदर भगत सिंह छिपे हैं, सभी प्रतिभाएं आपके अंदर है, लेकिन बस आपको तराशना होगा। और एवरीथिंग इज पॉसिबल, आप किसी लक्ष्य को देखो कि भाई मैं इसे पार नहीं कर सकता, एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड वी कैन डू एवरीथिंग, सब कुछ संभव है और हम सब कुछ कर सकते हैं। इस बात को अपने ध्यान से लगा कर रखो, कभी ये मत सोचो कि इसे मैं नहीं कर सकता, ऐसा कभी भी। ऑलवेज पॉजिटिव एंड पावर थिंग इज इक्वल टू सक्सेसफुल, सदैव सकारात्मक सोचो, ठीक है, सदा शक्तिशाली होकर सोचो कि तुम्हारी सफलता तुमसे दूर नहीं होगी। और सामान्य साथियों, अभी मैं सोच देख रहा हूँ कि बच्चे जो ज्यादा है बातों में लगे हुए हैं, मुझे कब कपी चढ़ रही है, मुझे बोलने की थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप अपना दीपक स्वयं बनो, ठीक है। और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा बहुत से गालिब ने बहुत अच्छा शेर कहा है कि गालिब ताउम्र बसे ही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। ये नहीं कि हम जो है अपने चेहरे को साफ ना करें, मम्मी और लाली वाली सब चेहरा भी साफ करना है, वो जो बातें हमें सबको आप लेके आओ, मैं लागू करनी है और हम